मुज़ाकरात का एक और दौर नाकाम हो गया। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद का धरना चौथे रोज भी जारी है। इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे हसीब हनीफ से। हसीब, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद के धरने पर। आज चौथा रोज है, किसानों का जो इधर एहतजाज है इस्लामाबाद में जारी है और किसान अपने जो हकूक हैं उनके लिए और अपने मुतालबात के हक के लिए यहाँ पर मौजूद है। किसानों का ये मुतालबा है कि जो जो बिजली के बढ़ते नर्ख हैं उस पर काबू पाया जाए और किसानों को जो बिजली के नर्ख हैं उसमें सब्सिडी दी जाए। उसके अलावा खादों के जो मसाइल हैं, खाद मिल नहीं रही और उसके अलावा जो मिलती भी है खाद वो बहुत ज़्यादा उसका रेट है और आए रोज ये रेट जो है वो बढ़ रहा है। इस रेट पर काबू पाया जाए और सब्सिडाइज खाद किसानों को फराहम की जाए। किसान अपने जो मुतालबात हैं उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपको बताएं कि वजीर दाखिला जो है राना सनाउल्ला, उनके साथ आज किसानों के मुज़ाकरात होने हैं और अब से कुछ देर बाद ये मुज़ाकरात होंगे, जिसके लिए किसान इत्तेहाद की जो क्यादत है वो वजीर दाखिला राना सनाउल्ला से मुलाकात करेगी और उसमें तय पाएगा कि किसानों को हुकूमत जो है वो किस हद तक रिलीफ फराहम कर सकती है। उसके बाद ही ये फैसला होगा किसानों की जानिब से कि ये एहतजाज जारी रखना है या इस एहतजाज को मुतालबात तस्लीम करने की सूरत में ख़त्म कर देना है।